तो सबसे पहले ड्रॉप के लिए लिखते हैं, इनसाइड द ड्रॉप, ठीक है। तो इसको पहले समझ लो कि एक्सेस प्रेशर है क्या। हाँ ये तो नहीं है, है ना। तो मतलब एक्सेस प्रेशर पर डेमोन्स्ट्रेशन थोड़े का मतलब फंडा क्या है ये समझना है। तो देखो अगर एक्सेस प्रेशर की बात करें किसी भी फ्लेक्सिबल सरफेस के लिए, अब रिजिड सरफेस की बात नहीं कर रहे, अगर किसी भी फ्लेक्सिबल सरफेस की बात, जैसे मान लो यही है जो फ्लेक्सिबल है और इसके बाउंड्रीज को हमने फिक्स कर दिया हुआ है, ठीक है, इसके बाउंड्री को हमने फिक्स कर दिया, तो अगर दोनों तरफ प्रेशर इक्वल है तो ये कैसा दिखेगा, बिल्कुल फ्लैट। अगर दोनों तरफ प्रेशर इक्वल है तो सरफेस कैसा दिखेगा, बिल्कुल फ्लैट। आप इसको वैसा विजुलाइज करिएगा कि ये सब तरफ से पैक किया हुआ है, ठीक है, मतलब यहां कुछ नहीं ला सकते, ये सरफेस जो फ्लेक्सिबल है। अब किसी एक तरफ प्रेशर हमने, सब दो साइड था, इस साइड प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा, इस साइड प्रेशर बढ़ाया तो ऐसा हो जाएगा। फिर से ध्यान रखिएगा किसी फ्लेक्सिबल सरफेस की बात कर रहा मैं, अब लोहे में नहीं जाएगा प्रेशर इधर, तो मतलब सो फिल्म ले लिया या इस तरह का कुछ भी लिया हमने जहां पे ये सरफेस टेंशन जैसी चीज, लिक्विड का जो भी लेयर है ना। तो कर्व सरफेस का मतलब क्या हुआ कि किसी भी, जरूरी नहीं कि कंप्लीट स्फीयर बन रहा हो, कंप्लीट बबल बन रहा हो या कंप्लीट ड्रॉप बन रहा हो, कहीं पे भी अगर कर्व सरफेस है, ये समझना इसलिए जरूरी है कि जब कैपिलरी एक्शन करेंगे तो जो मेनिस्कस होगा वो तो कंप्लीट स्फीयर तो होता नहीं, कर्व दिखता है, वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट वैलिड है, ठीक है। तो जब भी कर्व सरफेस बनाएंगे तो जो कॉनकेव होगा, कॉनकेव पार्ट, यहां पे प्रेशर एक्स्ट्रा होगा, ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू प्रेशर एट दिस साइड, लिख सकते। तो जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन दीज टू पॉइंट्स है वही क्या है, एक्सेस प्रेशर। तो अब ये लिखते क्यों है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, समझ आ रहा है। इसके पहले कॉन्सेप्ट ये है कि भी कभी भी अगर फ्लेक्सिबल सरफेस का अगर कर्व सरफेस बन रहा है तो इनसाइड द सरफेस मतलब कॉनकेव वाले पार्ट पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर, जो भी आउटर पार्ट पे जो प्रेशर होगा। और ध्यान में तो फ्लेक्सिबल सरफेस के लिए कहीं पे नहीं देखना कि आयरन ऐसा दोनों तरफ तो प्रेशर इक्वल है तो ये ऐसा कैसे है, चम्मच उठाया, मतलब जहां पे ऐसा हो सकता है वहीं की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पी ए ग्रेटर देन पी बी, तो जो दोनों डिफरेंस होगा वो कितना होगा, पी ए माइनस पी बी, और यही क्या है, एक्सेस प्रेशर, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, यहां तक समझ आ रहा है, लिख सकते हैं। अब यही कैलकुलेट करना है कि एक्सेस प्रेशर होगा कितना, ठीक है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जो सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है जिसमें समझ भी आ जाए, ज्यादा टाइम भी ना लगे, है ना, स्फीयर है ये। अब इसको ऐसा सोचो कि ड्रॉप है, कंप्लीट स्फीयर एज्यूम किया हमने, है ना, इसको दो पार्ट में सोचो, ठीक है, कि मतलब ऐसा सोचिए, इमेजिन करिए कि भी ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ठीक है। तो दिस वन इज पार्ट ए और ये क्या है, पार्ट बी। अंदर का प्रेशर पी है, बाहर का प्रेशर पी नॉट है, क्लियरली पी इज ग्रेटर देन पी नॉट, पी इज ग्रेटर देन पी नॉट, लिख सकते। अब तुम किसी एक सरफेस की बात करो, मतलब सेकेंड हाफ की बात करते हैं, बी की बात करते हैं, तो अंदर का जो प्रेशर एक्स्ट्रा प्रेशर, ये इसको बाहर धक्का दे रहा है, ये एक्स्ट्रा प्रेशर है, इसका जो फोर्स आ रहा है वो इसको क्या करेगा, बाहर कर दे, लिख सकते। तो एक बाहर करने वाला फोर्स डेफिनेटली है यहां पे, तो बाहर क्यों नहीं जा रहा, यहां से सोचो, दोनों का अलग किया, तो इस सरफेस पे ये कनेक्टेड भी है, ए और बी के बीच में सरफेस टेंशन वाला फोर्स भी है इस सर्कमफेरेंस पे, इस पर यूनिट लेंथ पे जो लिखते हैं, समझ आ रहा। अगर ये फोर्स गायब हो जाए तो ये क्या होगा, अलग हो जाएगा, लिख सकते। तो मतलब क्लियरली अगर फिजिक्स यूज कर रहे हैं यहां पे, तो जो ये बाहर भेजने वाला फोर्स है वो एग्जैक्टली इसको बाइंड करके रखने वाले फोर्स के एग्जैक्टली इक्वल है, लिख सकते ना। तो अब अगर देखोगे तो यहां पे देखो, इस पूरे सर्कमफेरेंस पे एक फोर्स है जो ए पे बी अप्लाई कर रहा है और बी पे ए अप्लाई कर रहा है, लिख सकते, यहां तक समझ आ रहा है। और जो अलग करने वाला फोर्स है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से आ रहा है, तो सपोज द प्रेशर डिफरेंस इज डेल पी, तो डेल पी की वजह से ये एक्सेस प्रेशर लिख सकते। तो ड्यू टू दिस एक्सेस प्रेशर जो फोर्स आ रहा है वो कितना होगा, डेल पी इंटू पाई आर स्क्वेयर, प्रोजेक्टेड एरिया बताया था हाइड्रोस्टेटिक्स में किया हुआ है ना, कि कर्व सर्फेस अगर कॉमन प्रेशर हो
और अगर फोर्स लिखना है तो प्रोजेक्टेड एरिया यूज कर लीजिए, ठीक है? तो प्रोजेक्टेड एरिया बिल्कुल सर्कुलर, कितना? पाई आर स्क्वायर, और फोर्स किधर रहेगा? आउटवर्ड्स। लिख सकते हैं इसको कौन बैलेंस कर रहा है, ये पूरे सर्कमफेरेंस पे जो सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है। लिख सकते हैं तो सरफेस टेंशन का फोर्स कितना होगा, 2 पाई आर इंटू एस। लिख सकते कितना आ जाएगा, 2s/2। लिख सकते यहां तक समझ आया? तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप जो लिखेंगे कितना हो जाएगा, डेल पी 2s/r। लिख सकते यहां तक समझ आ रहा है? अब एट द सेम टाइम अगर हम लोग कहते हैं कि इनसाइड द बबल, अगर इनसाइड द बबल की बात करते हैं, अब क्या करोगे? सब कुछ ऐसा ही रहेगा, फिर से इसी को सोच रहे, यही बबल भी है, ये फोर्स सब कुछ ऐसा है, सिर्फ ये जो फोर्स है ये डबल हो जाएगा क्योंकि दो फ्री लेयर्स होंगे। अगर बबल है तो एक बाहर से, एक क्या है उसके अंदर से। तो अब डेरिवेशन में सब कुछ ऐसा रहेगा, डेल पी पाई आर स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, सिर्फ 2 से इस पूरे फोर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 पाई आर इंटू एस। तो फाइनली डेल पी कितना आ जाएगा, 4s/r। फाइनली कितना आएगा, 4s/r। यहां तक लिख सकते हैं। लेकिन फिर से क्या, अगर ये बबल एयर में है तो, अगर ये बबल फिर से पानी में रख दिया किसी लिक्विड के अंदर है, फिर से एक ही फ्री लेयर होगा, तो एक्सेस प्रेशर ये ना होकर के ये लिखेंगे। तो अगर बबल इनसाइड द लिक्विड है तो एक्सेस प्रेशर को क्यों 4s/r नहीं लिखते, ये समझ आ रहा है? क्या लिखोगे, 2s/r। यहां तक समझ आ रहा है सबको, ये क्यों लिखा, समझ आ गया? लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है किसी को? तो ये एक्सेस प्रेशर की कहानी है, कैसे लिखते हैं ये भी पता लग गया, ठीक है? फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल याद रखा जा सकता है, 2s/r, 4s/r। बबल के लिए 2s/r भी हो सकता है, कब होगा ये समझ आ गया। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं जब दो बबल्स को कनेक्ट करते हैं और जब कांटेक्ट में लाते हैं। कनेक्ट करना, कांटेक्ट में लाना, दोनों डिफरेंट चीज है, ठीक है? यहां तक समझ आ गया सबको, लिख सकते हैं ना? देखिए, दो बबल है, उसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है? अब क्या होगा, दोनों ही बबल है, इसका रेडियस स्मॉल आर, कैपिटल आर। आपका वो जो एनालिसिस होगा इसके लिए प्रोसेस का, वो क्या कहोगे आप, कि जो छोटा है वो क्या होगा, फर्स्ट साइड में ये लगता है जो छोटा है वो बढ़ जाएगा, तब तक बढ़ेगा जब तक उसके बराबर ना हो जाए, ये फील आता है। ये फील क्यों आता है, छोटे से तो नहीं पढ़ा है, ये फील वहां से आता है कि हायर टू लोअर कुछ फ्लो करता है, यही यहीं से ये फील आता है ना, कि हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी कुछ फ्लो करता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हीट फ्लो करता है, और तब तक फ्लो करता है जब तक बराबर ना हो जाए। सब जगह एक कॉन्सेप्ट तो है हायर, यहां पे हायर क्या, हायर साइज टू लोअर साइज कभी सुना है, हायर साइज टू लोअर साइज कुछ फ्लो करेगा ऐसा सुना है? तो एक कुछ तो वैसा पैरामीटर लेके आएंगे जो वैलिड हो। तो लिक्विड फ्लो करना है, कोई एयर फ्लो करना है ना, कोई फ्लूइड फ्लो करना है, वो किधर से किधर फ्लो करता है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो जिसका रेडियस कम है वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, बिकॉज इट इज इनवर्सली, एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। लिख सकते ना, तो यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां पे क्या है, कम है, तो ये किधर जाएगा, इधर। जो छोटा है वो और भी छोटा होगा, और इसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा। फाइनली क्या होगा, गायब। लिख सकते हैं ना, कोई डाउट है किसी को? तो जो मूवमेंट है वो इधर होगा, वही, बिकॉज यहां जो प्रेशर है, यहां पे प्रेशर कितना है, पी नॉट प्लस 4s/r, और यहां पे प्रेशर कितना है, पी नॉट प्लस 4s/R। सिंस आर इज लेस देन कैपिटल आर, दिस प्रेशर इज ग्रेटर देन दिस प्रेशर, तो फ्लो इधर होगा। लिख सकते हैं ना, तो हर चीज का लॉजिक है, जो हम दिमाग में बिठाते हैं लॉजिक के हिसाब से सोचेंगे भी, ठीक है? यहां तक सबके समझ आ गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कांटेक्ट की बात कर रहे हैं, है ना, 4s/r लिखना या 2s/r लिखना, ये जरूरी नहीं कि कंप्लीट स्फीयर हो तभी यूज कर सकते, ये कहीं पे भी वैलिड है, जहां भी कर्व बन रहा है वहां पे ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, ठीक है? तो अब इसको देखते हैं हम लोग।
यहां तक समझ आ गया सबको? अरे लिख सकते हैं ना? अब दो डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के बबल्स को कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा? बबल नंबर वन एंड बबल नंबर टू, ठीक है? तो अगर दोनों को कॉन्टैक्ट में लेके आए तो जो कॉमन सरफेस है, जो कॉमन फेस है, वो तो कोई एक ही रहेगा ना, दो ऐसा इंटरसेक्शन तो ऐसा दिखेगा नहीं, एक कॉमन सरफेस होगा जो दोनों के लिए बराबर होगा, है ना? लिख सकते हैं, यहां तक समझ आ रहा है? तो अब देखो, अगर यहां और यहां प्रेशर इक्वल हो जाए, अगर दोनों की साइज इक्वल हो तो प्रेशर क्या है, इक्वल है, तो बीच वाला जो कॉमन सरफेस वो बिल्कुल फ्लैट होगा, सीधा फंडा है, मतलब बिना देखो अगर कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे तो सोच यार ये कैसे हो सकता है? समझ आ रहा है क्यों हो सकता है? कि इधर प्रेशर एग्जैक्टली इक्वल है, तो इस सरफेस पे कहीं से कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, जो भी फोर्सेस है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा। अगर रेडियस डिफरेंट है, यहां पर रेडियस आर वन है, यहां पर रेडियस क्या है, आर टू है, अब ये सरफेस को छिलेगा, ठीक है? मतलब कुछ कर्व तो होगा ही होगा। सपोज आर वन इज लेस देन आर टू, सपोज आर वन इज लेस देन आर टू, अब यहां का प्रेशर अगर मैं यहां से देखूं पी वन और पी टू, क्या लिखेंगे, एक्सेस प्रेशर फोर एस बाई आर होता है, ठीक है? तो पी वन इज ग्रेटर देन पी टू, तो जो कर्व बनेगा इधर कॉनकेव होगा और उधर कॉनवेक्स हो जाएगा, तो कर्व कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि इस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन है, इसका कुछ और होगा, लिख सकते हैं? तो अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछ दे कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस और कॉमन फेस, अब क्या लिखेंगे, सपोज इट इज आर, लिख सकते? तो ये आर जो है, यहां पी वन, यहां क्या है पी टू, तो जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना होगा, पी वन माइनस पी टू, जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना होगा, पी वन माइनस पी टू, और यही एक्सेस प्रेशर है। और एक्सेस प्रेशर अगर दो फ्री लेयर्स है, मैं बबल और ड्रॉप की बात ही नहीं कर रहा, मैं अब सिर्फ लेयर्स की बात कर रहा, एक फ्री लेयर है तो टू लिखना, दो है तो फोर, तो P1 माइनस P2 इज द एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर का इन दोनों साइड के लिए प्रेशर का डिफरेंस है, ये कितना होना चाहिए, 4s by this r, जो फाइंड करना है तुम्हें, लिख सकते? अब यहां पे प्रेशर कितना है, P0 प्लस 4s by r1, यहां पे कितना है, P0 प्लस 4s by r2, लिख सकते? तो यहां देखो P0 प्लस 4s by r1 माइनस P0 माइनस 4s by r2, 4s by r हो जाएगा, लिख सकते? मतलब फाइनल रिजल्ट, लिख सकते कि नहीं, ये आंसर है, कर लेंगे? तो देखो मतलब ये एकदम से समझ आए कि जो हमें क्या है, कॉन्सेप्ट समझना है सिर्फ, उससे सब कुछ बनना शुरू होगा कि जो जहां भी कर्वेचर बन, रेडियस मतलब कर्व बन रहा है, वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकता है, और उसके लिए एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है, लिख सकते? वही हम लोग कैपिलरी एक्शन में यूज करेंगे, नहीं वो कैपिलरी में जो राइज वाला जो लिखते हैं हम लोग, प्रेशर का डिफरेंस, उसको मेंटेन करने के लिए हाइट बढ़ाते, तो वहां से कई क्वेश्चन टारगेट कर पाएंगे हम लोग, ठीक है? तो इसको लिख लीजिए, यहां तक समझ आ गया, ये भी समझ आ गया, लिख सकते ना, लिखिए फटाफट।